एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। सो हे गाइस, दिस इज साइबर रिच बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। और वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है, बेस्ट हैकिंग बुक फॉर बिगिनर्स 2019, जो आपको फ्री में मिलेंगी, तो उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ बुक्स बताई थी, कुछ पेपर बुक्स बताई थी एंड कुछ PDF फाइल्स बताई थी। और उस वीडियो के कमेंट में कुछ लोगों ने बोला था कि यार लिंक प्रोवाइड करो, लिंक नहीं दिया, लिंक दो। तो उन सब का लिंक मैं आज अपनी वीडियो में दे दूंगा। तो मैं पहले दिखा देता हूँ, ये जो पहला आपका है ये CEH वर्जन 9 एथिकल हैकिंग वर्जन 9 स्टडी गाइड, जिसका मेन मोटिव यही है कि हमें सिर्फ ये CEH के एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करता है। मेन बुक के अंदर कंटेंट उसी के ऊपर है। तो इसका प्राइस है 2989, काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। और अगर आप इसको किंडल एडिशन में खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन यार मैं कहूँगा कि पेपर बुक ही खरीदना। और हाँ, ये कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, तो कई लोगों को सोचे कि यार ये लिंक देके पैसे कमा रहा, तो ये एफिलिएट का लिंक नहीं है। और अगर वैसे भी आपको कुछ अगर पे करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना पेटीएम नंबर दे दूंगा, तो कुछ भी अगर आपको वहाँ करना हो तो कर सकते हैं, बट ये एफिलिएट वगैरह मैं नहीं करता, पहले करता था शायद। तो ये पहली बुक हो गई। और उसके बाद जो ये था, जो हमें PDF फाइल्स फ्री में मिलती थी, जितना उनका ये साइज़ आप देख सकते हैं पूरा, जो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ये रहा वो वीडियो, शायद मैं इसका लिंक भी दे दूँ। तो इन दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जाके देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरा जो इस वीडियो का टॉपिक है कि यार कोर्सेज कौन कौन से करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो गलती मैंने करी वो आप लोग बिल्कुल मत करिएगा कोर्स करने में। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैंने अपना एक एथिकल हैकिंग का 2 मंथ का कोर्स करा था, बेसिक कोर्स था वो मैंने करा था। मैं ओपनली उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँगा, मैंने जेटकिंग से करा था। मैंने वहाँ से नेटवर्किंग और हार्डवेयर नेटवर्किंग, एंड उसके बाद मेन मेरा था कि मैं एथिकल हैकिंग करूं, लेकिन उन्होंने उससे बोला कि आपको नेटवर्किंग करना भी ज़रूरी है, वरना उसके बिना हैकिंग के अंदर लाइन में जाना डिफ़िकल्ट होता है। तो हाँ, ये बात तो ठीक थी कि पहले नेटवर्किंग करनी पड़ती है, तो मैंने वो करा। और जब मौका आया हमारा एथिकल हैकिंग का, तो पता लगा कि यार वहाँ पे जितना भी मैंने अपना अमाउंट पे किया था सब वेस्ट था। तो उन्होंने मेरे से 22,000 रुपीज़ एथिकल हैकिंग के कोर्स के लिए 2 मंथ में, जो कि मेरे, मैं बताऊं तो प्रॉपर वेस्ट गए हैं, बिल्कुल वेस्ट। मतलब मैंने एथिकल हैकिंग का कुछ नहीं सीखा यार वहाँ से, मतलब इतने टॉपिक तो उन्होंने सिखाए नहीं, और उनके जो फैकल्टी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो आपको ढंग से एक हैकर बना सके। और वैसे भी 2 मंथ के कोर्स के अंदर कोई हैकर नहीं बन जाता इतनी आसानी से। तो मैं कहूँगा कि पहले तो वो इंस्टीट्यूट बिल्कुल ही बेकार है, तो वहाँ से तो अगर आपको करना है तो ना ही करे। दूसरा, अगर मैं बात करूँ दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब लोग उसके बारे में तारीफ़ करते हैं। तो उसका नाम है यहाँ पे लूसीडियस, आई थिंक वो यहाँ पे होगा, हाँ लूसीडियस उसका नाम है। तो अगर आपको हमें नहीं करना, तो अगर आपको कोर्स करना है, अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं कि यार पहले एक बार हम लोग बेसिक नॉलेज ले लेते हैं उसके बाद हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो मैं बताऊंगा कि यार लूसीडियस से आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे कंसल्ट करा, उसने जेटकिंग से छोड़ के लूसीडियस में एडमिशन लिया था, और वहाँ पर जाके उसने बोला कि यार ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। वहाँ पर भी वो सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि यार एडवांस चीज़ें हैकिंग के अंदर वैसे भी इलीगल होती है, तो कोई ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहेगा। लेकिन तब भी उसने बोला कि लूसीडियस काफ़ी बेहतर है जेटकिंग से। तो अगर आपको करना ही है, वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन से एथिकल हैकिंग करें जो कि ज़्यादा बड़ी ना हो, तो वरना वो आपके पैसे वेस्ट ही होंगे उसके अंदर। जैसे मैंने अपना एथिकल हैकिंग के अंदर एडमिशन लेके यहाँ से पैसे अपने वेस्ट कर दिए पूरे। नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी सिखाई उन लोगों ने, तो वो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ नेटवर्किंग अच्छी थी, लेकिन जो एथिकल हैकिंग था वो वहाँ से बिल्कुल वेस्ट है, मत करना आप। तो अब मैं बात करूँ कि यार अगर आपको एथिकल हैकिंग का कोर्स यहाँ से नहीं करना, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से नहीं करना, तो आप क्या कहाँ से करें। तो यार ये एक है EC काउंसिल, जिसका एग्ज़ाम जो मैंने बताया था ना, ये वाली बुक है जिसके जो इसका एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर कर देती है ये वाली बुक, तो ये वही एग्ज़ाम करवाती है। तो इसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले आएगा सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर, उसके बाद सर्टिफाइड एथिकल हैकर, मास्टर, ऐसे काफ़ी कोर्स अपग्रेड करते 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 लास्ट यहाँ तक है, तो ये ज़्यादा बेटर है। और एक और होता है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का, वो ज़्यादा हार्ड होता है। तो अभी मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की जो देना पड़ता है सबको, एक नॉर्मल एग्ज़ाम सर्टिफाइड एथिकल हैकर का, तो उसका ड्यूरेशन वगैरह मैं अगर इस पर एक बार खोल के देखते हैं तो बताएगा। 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है और वो 125 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं,
और वो एमसीक्यू टाइप्स होते हैं। तो मैं यही बोलने वाला था कि इस सब की डिटेल कोर्सेज की और क्या क्या कोर्स करने चाहिए, कौन कौन से कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं, वो मैं आपको अपने इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि यार ये वीडियो का थोड़ा सा अलग टॉपिक था, इस वीडियो में बस मैंने इतना बताया कि कोर्स अगर आपको करना है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से मत करिए, क्योंकि आपके पैसे ही वेस्ट होंगे। और करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन से, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है। और उनका सर्टिफिकेट भी ज़्यादा, मतलब सर्टिफिकेट इन्हीं के चलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं अपना जेटकिंग का सर्टिफिकेट कहीं लेके जाऊँगा ना, तो कोई मुझे कहीं जॉब नहीं देगा एथिकल हैकिंग की फील्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम होता है। और उनका एथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट तो आई थिंक कहीं वैलिड नहीं होगा। और अगर मैं CEH का लेके जाऊँ या फिर वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाला, तो मे बी काफ़ी अच्छी जगह जगह पर हमें जॉब मिल सकती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो को सिर्फ यहीं ख़त्म करते हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा था नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कैसे कैसे आपको एथिकल हैकिंग के अंदर स्टार्ट करना है। क्योंकि यार देखो, मैंने वहीं से सीखा है, मतलब मैं सीख रहा हूँ, मैंने एक बार गलती करी वहाँ से अपना कोर्स करके, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बताना कि और लोग ऐसी गलती ना करें। और क्योंकि देखो, अब बोलेंगे कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए यार, पहले टाइम अलग था, जैसे किसी ने 1 साल पहले वीडियो बनाई या 2 साल पहले वीडियो बनाई, तो जब टाइम अलग था और 2 साल के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या करना है। जो मैंने गलतियाँ करी वो आप तो बिल्कुल मत करिएगा। और इस वीडियो को हम लोग यहीं रोक देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर का टॉपिक मैं अभी बता देता हूँ कि हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कोर्स हमें करना चाहिए, कौन कौन से एग्ज़ाम हमें देने पड़ेंगे, और उन एग्ज़ाम को देने के बाद क्या क्या सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अगर आपको एथिकल हैकिंग के अंदर या फिर कंप्यूटर इन सब में मज़ा आता है, तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। लाइक कर दीजिए। और जैसे कि मैंने बोला था, मैं एफिलिएट वगैरह नहीं यूज़ करता, तो पेटीएम का नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ये नहीं बोल रहा कि ज़बरदस्ती यार पैसा डालो ही डालो, अगर आपका मन हो तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो। और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।